आज का जो हमारा वीडियो है काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में लगभग 35 लाख के आसपास एनजीओ रजिस्टर्ड हैं, लोग समाज सेवा कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक पे दो क्वेश्चन है कि समाज सेवा क्या होता है और समाज सेवी कौन होते हैं, मतलब सोशल वर्क क्या होता है और सोशल वर्कर कौन होते हैं। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे आज का हमारा वीडियो होगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, फिर आप उस चीज का आगे जानकारी रख सको या लाभ उठा सको। आज का जो पहला टॉपिक है सोशल वर्क क्या होता है, मतलब समाज सेवा क्या होता है। तो दोस्तों समाज सेवा क्या होता है आप लोग भी, जहां तक कि जो सोशल वर्क कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लगभग जानते होंगे, वो भी नॉर्मल अच्छे से जानते नहीं है। अगर जानते तो वो अपना आउटपुट दे यहाँ पे देते। दोस्तों सिंपल लैंग्वेज भाषा में समझ लें कि अगर समाज के भलाई के लिए जो काम किया जा रहा हो, मतलब समाज के उत्थान के लिए जो काम किया जा रहा हो, उसे सोशल वर्क कहते हैं। मतलब समाज कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं उसे सोशल वर्क कहते हैं। इतनी छोटी सी बात तो आप समझ लेते हैं, परंतु समाज का उत्थान, समाज की भलाई, सोशल वर्क क्या होता है अच्छे से समझते नहीं है और इस पे अपना आउटपुट प्रॉपर दे नहीं पाते हैं। समाज सेवा वही जो समाज कल्याण के लिए आप काम करते हो, उसके उत्थान में काम करते हो, तो वो समाज सेवा वो होता है। इस टॉपिक को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जो आज का जो समाज है एक दूसरे से दूरी बनाते जा रहा है, मतलब कि सोशली कनेक्ट नहीं है एक दूसरे से। सोशली कनेक्ट न होने की वजह से काफी समस्या उनके परिवार में, समाज में और उनके जो दिनचर्या है उसमें काफी परेशानी आ रही है। सोशली कनेक्टिविटी क्या है? बहुत तरह के समाज में लोग हैं जो एक्चुअली वो नीडी हैं एक दूसरे के सहयोग के लिए, परंतु आजकल जो कनेक्टिविटी है टूटने की वजह से, दूरियां बढ़ने की वजह से उनको सेवा नहीं मिल पाती है, व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है, तो वो क्या करते हैं, लाचार होकर, परेशान होकर अपने आप को खत्म कर लेते हैं या मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत तरह की समस्या आने लगी है। तो इसी चीज को जो कनेक्ट करता है, जो कनेक्टिविटी बढ़ाता है, ठीक है, और बिना स्वार्थ का काम करता है, ठीक है, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। जैसे सपोज दैट मान लो कि हम और हमारी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ हम बैठे हैं दिल्ली में, या परिवार हमारा जो है, हमारे एक प्रॉपर गांव कोई है, उस गांव में हम रहते हैं, उसके आसपास हमारे दुनिया है, परंतु हम लगभग सभी जगह जहाँ पे नीड होती है लोगों की, वहाँ जाकर संपर्क करते हैं और उनको जो सहायता चाहिए, जो हेल्प चाहिए, उनको देते हैं, ठीक है, निस्वार्थ भाव से। मतलब कि अगर समाज में रहते हैं तो एक दूसरे के उत्थान के लिए, एक दूसरे के भलाई के लिए आपको काम करना चाहिए। तो सिंपल लैंग्वेज में आप लोग ये भी समझ लीजिए कि अगर आपका स्वार्थ नहीं जुड़ा हो किसी चीज से, अगर आप उसको सेवा कर रहे हैं, मतलब उसका सहयोग कर रहे हैं, तो ये समाज सेवा हुआ। समाज सेवा जो है किसी भी लेवल से किया जा सकता है। ये नहीं कि केवल समाज सेवा एनजीओ बनाकर ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। समाज सेवा आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, मतलब खुद से भी कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, ना कि आपको कोई एनजीओ बनाने की जरूरत है, ना आपको तामझाम लेने की जरूरत है। आप चाहते हैं समाज के उत्थान में कंट्रीब्यूट करें, समाज के उत्थान में कुछ कंट्रीब्यूट करें, ठीक है, और एक अच्छे लेवल से करें, तब जाकर एनजीओ बनाइए और आपके पास टीम है तब। अगर आप चाहते हैं कि अकेले समाज सेवा करें तो ये पॉसिबल नहीं है। आप अकेले अपने लेवल पे कर सकते हैं, आसपास कर सकते हैं, ना आपको एनजीओ बनाने की वहां पे जरूरत है, ना आपको कोई फॉर्मेलिटी निभानी होती है, ठीक है ना, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन का इसमें प्रोसेस है। आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, परंतु अगर आप चाहते हैं कि समाज सेवा एक्चुअली समाज के उत्थान के लिए अच्छा कुछ करे, तो आप लोग सोशली कनेक्टिविटी जो है ना, इस चीज को स्ट्रॉन्ग बनाइए। स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, इसी चीज को समाज सेवा कहते हैं, सोशल वर्क कहते हैं, ठीक है ना। दोस्तों जो हम लोग काम करते हैं सोशल अवेयरनेस को लेकर काम करते हैं, मतलब एक दूसरे के भलाई के लिए और उनको जागरूक करने के लिए हम काम करते हैं, तो हमें थोड़ा सा विस्तार से आप लोगों को शेयर करना पड़ता है। इस चीज से आप लोग भी सीख लेते हैं। दोस्तों इसी आंसर में हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था कि सोशल वर्कर कौन है, इसी में छिपा हुआ था, आप लोग को थोड़ा सा और समझा देते हैं। दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन है सोशल वर्कर कौन होते हैं, सोशल वर्कर किसे कहते हैं, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता किसे कहते हैं। समाज सेवी वो जो बिना स्वार्थ भाव के एक दूसरे का मदद करे, मतलब सहायता करे, समाज के जो लोग हैं उनको सहायता करे। समाज सेवा अलग है, समाज सेवा का मतलब होता है समाज के भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए काम करना, और समाज सेवी मतलब सोशल वर्कर समाज में रह रहे लोगों को एक सेवा देना निस्वार्थ भाव से, उनका कोई स्वार्थ न हो, किसी स्वार्थ के बिना
को सहायता करें। सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि समाज में जो लोग हैं, ठीक है, उनकी नीड होती है किसी तरह की, उस चीज को फुलफिल कोई सामाजिक कार्यकर्ता बिना स्वार्थ का आकर कर देता है। मतलब हम गए और बिना स्वार्थ का उसका सहयोग कर दिए, और ये केवल सिंगल पर्सन का नहीं, काफी मल्टीपल लोगों को सहायता प्रोवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो कर रहा है जो ना, उसे सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। इस चीज को सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि जो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, मतलब जो राजनीतिक काम करते हैं, राजनीतिक में अपना करियर बनाता है, वो लोग समाज सेवा लगभग करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता बिना फायदे के आपको सहायता पहुंचाता है, ठीक है। उनको कोई फायदा नहीं चाहिए होता है, फायदा उतना ही चाहिए होता है कि समाज में उनका इज्जत बने। एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज और समझ लेते हैं। कोई डॉक्टर है, बिना फीस का, बिना पैसा लिए किसी का सेवा कर रहा है, किसी का सहयोग कर रहा है, दवा कर रहा है, तो वो समाज सेवा एक्चुअल हुआ। मतलब साफ है कि जो डॉक्टर काम कर रहा है ना, वो किसी फायदे के लिए काम नहीं कर रहा है। इसी को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देने लगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है इसको प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, फिर आप उस चीज का लाभ उठा सको। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।